और अब आपको एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली के एक कॉलेज में चाकू गोदकर छात्र की हत्या कर दी गई। जिस छात्र की मौत हुई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ाई करता था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, एक आरोपी बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है जबकि स्कूल ड्रॉप आउट है। पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपियों की भी पहचान की है जिनकी तलाश अब की जा रही है। रविवार को दिल्ली के साउथ कैंपस में निखिल चौहान नाम के छात्र की हत्या कर दी गई थी। वो संडे की क्लास करने कॉलेज पहुंचा था। देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस में आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर, जहां पर एक बच्चे का कल कत्ल कर दिया गया। साउथ कैंपस दिल्ली का, जहां पर तमाम छात्र देश भर से अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर पहुंचते हैं कि वो पढ़ाई करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसी साउथ कैंपस में कल एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या छेड़छाड़ को लेकर की जाती है। आरोप ये लग रहे हैं कि निखिल नाम के छात्र की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसकी महिला मित्र के साथ जो छेड़छाड़ की कोशिश दो लोगों ने की थी, उसे बचाने के चक्कर में उसे मार दिया गया। लेकिन हम आपको बताते चले, आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आर्यभट्ट कॉलेज के मेन गेट के बाहर अभी हम मौजूद है। ठीक मुश्किल से 20 मीटर के डिस्टेंस का ये जो स्पॉट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहां पर ब्लड स्टेन्स भी हैं बिल्कुल बगल में, जबकि आता जाता रोड है यहाँ पर, तमाम छात्र यहाँ पर होते हैं और ऐसे में एक छात्र की सरेराह हत्या कर दी जाती है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है और बड़ा सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि देखिए, रेगुलर जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर वो यहाँ पर पहुँचते हैं वीकडेज में, लेकिन SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को लेकर सैटरडे संडेज को यहाँ पर क्लासेस लगती हैं और उन्हीं क्लास को लेने के लिए छात्र यहाँ पर पहुँचा था। इस बीच छेड़छाड़ का मामला सामने आया और बीच बचाव की जब निखिल ने कोशिश की तो निखिल को ऐसे ही सरेराह चाकू उत्तर हत्या कर दी गई। और फिलहाल देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर पुलिस की ओर से लगाया गया है और ये निशान जो आप देख रहे हैं दरअसल ये ब्लड स्टेन्स हैं। ये ब्लड स्टेन्स कल काफी ज्यादा पूरे इलाके में ये फैले हुए थे, लेकिन क्योंकि बारिश हुई और बारिश के बाद ये धुल गए और तब से ही लगातार छात्र इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र और भी हैं, इनसे जरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने कुछ देखा, क्या इन्हें कुछ मालूम है कि कल क्या हुआ था। आप कुछ जानते हैं? यस, ऑब्वियसली कि कल ये हुआ था कि बताया जा रहा है, मतलब हमने सुना हुआ है कि निखिल नाम का लड़का था, बीए ऑनर्स का था पॉलिटिकल साइंस, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी शायद, इनका कुछ ऑल्टरेशन चल रहा था 7 दिन पहले से। तो वो जो दूसरा लड़का था जिसने स्टैप किया था निखिल को, तो वो लड़के से पहले भी उनकी बातचीत, मतलब बहुत लड़ाई हुई थी। और किस बात पे लड़ाई हुई थी, मतलब पहले से ही लड़ाई चल रही थी? उनने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, उस सेंस उस चीज पे इनकी लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद मीन्स कल के दिन इनकी कुछ वापस से लड़ाई हुई थी तो उसने उसको चाकू मार दिया। क्या क्या आप जानते हैं कि ये कितने और लोग वहाँ पर शामिल थे इस लड़ाई में, कोई अंदाजा? ऐसा तो कोई मतलब अभी हमको कुछ ऐसा अंदाजा नहीं है। बाकी सिक्योरिटी को लेकर गर्ल्स भी यहाँ पर हैं, इस तरीके से होता है क्या? बाकी पूरे SOL के बच्चे तो बहुत थे और हाँ, मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ही मीन्स चिंता की तो बात है कि बच्चे काफी हैं यहाँ पे और मीन्स सिक्योरिटी का इतना कुछ ज्यादा प्रबंध नहीं है और कॉलेज कैंपस में भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है जो कि हेल्प कर सके। दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं मेन गेट पर, तो वो भी अगर देखेंगे तो ज्यादा बचाव नहीं कर सकते। एज वेल अगर कोई बीच में उनको रोकने भी आएगा तो शायद उसमें भी मतलब कुछ भी हो सकता, उनको भी हताहत होने का जान जाने खतरा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर डरे हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा हालात बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है बच्चों की ओर से दरअसल उठाया जा रहा है कि सिक्योरिटी के यहाँ पर और ज्यादा इंतजाम होने चाहिए। लेकिन कल किस तरह की स्थिति थी और क्या कुछ हुआ उसके बाद, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि पूरे मामले में दो से ज्यादा आरोपी शामिल थे। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन पुलिस की ओर से आपको बता दें कि दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद आपको बताएं कि दो लोग और भी शामिल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से लगातार खंगाले जा रहे हैं, यानी कि कुल 4 लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। दो की गिरफ्तारी हो चुकी है, दो की गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपको बता दें कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द निखिल चौहान के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन निखिल चौहान की जिस तरीके से हत्या हुई है, एक लड़की को छेड़छाड़ से बचाने को लेकर, ऐसे में सवाल लगातार इस बात को उठ रहे हैं कि साउथ कैंपस में क्या सिक्योरिटी उतनी पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं और खासकर हमने लड़कियों से बात की थी तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाने चाहिए। एक हफ्ते की पहले निखिल चौहान और दूसरे साइड में एक राहुल और यश, ये दोनों ग्रुप के बीच में किसी बात के लिए झगड़ा हुआ,
उस झगड़ा की रिवेंज लेने के लिए कल वापस ये राहुल, यश और बाकी लोग थे इसमें आए और निखिल चौहान के साथ में झगड़ा हुआ, इस वजह से इसकी चाकू भी ले ली। अभी हमने इसमें दो गिरफ्तार कर लिया है, जो राहुल है और उसके साथ में एक और दोस्त जो एसोसिएट है अरुण है, उसको अभी अरेस्ट कर लिया है। बाकी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी को भी हम अरेस्ट करेंगे। सपनों के साथ राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस में एक छात्र पढ़ने आता है, उसके साथ दो और छात्र पढ़ने आते हैं, तमाम ऐसे छात्र पढ़ने आते हैं, महिला मित्र के साथ छेड़खानी होती है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। चार तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपने सपने लिए पहुंचा निखिल चौहान साउथ कैंपस में क्लास लेने के लिए, एक महिला मित्र को छेड़छाड़ से बचाने की कोशिश करता है और उसके बाद चार लोग, दावा यह किया जा रहा है कि चार लोग वहां पर पहुंचते हैं और छेड़छाड़ का विरोध कर रहे निखिल चौहान पर ताबड़तोड़ चाकू बरसा देते हैं और उसके बाद निखिल चौहान को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। इन चार तस्वीरों के जरिए आपने पूरी कहानी समझी, हालांकि पुलिस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि तफ्तीश आगे बढ़ाई जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारे सहयोगी आनंद तिवारी, इस खबर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आनंद, दो आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है, क्या कोई और भी शामिल हो सकता है, ऐसी आशंका पुलिस की ओर से जताई जा रही है? देखिए अंकिता, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कुछ लीड्स मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो लड़की है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, जो निखिल की गर्लफ्रेंड है, उसने पुलिस को बताया है कि 11 तारीख को भी निखिल और राहुल और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। उस दौरान ये लड़की भी उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि 11 तारीख को भी इनकी क्लास लगी थी और उस दौरान राहुल ने एक थप्पड़ भी जो है वो इस लड़की को मारा था, जिसके बाद वहां पर कुछ बहस हुई और उसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन जब कल यानी कि संडे को जब वापस जो इनका कॉरेस्पोंडेंट क्लास लगती है आर्यभट्ट कॉलेज में, तो राहुल वहां पर पहुंचता है, निखिल वहां पर पहुंचता है और उस दौरान पहले से ही जो राहुल है वो अपने दोस्त हारून को वहां पर बुलाता है। इसके अलावा राज और एक और आरोपी है जो फरार है, ये तमाम लोग वहां पर होते हैं। ये राहुल जब क्लास अटेंड करके बाहर आता है, क्लास अटेंड करके उसके बाद बिल्कुल जो आर्यभट्ट कॉलेज का जो मेन गेट है उसके पास ही उसे चाकुओं से गोद दिया जाता है। वहां पर चश्मदीदों ने देखा कि किस तरह से निखिल जो अपनी जान बचा के भाग रहा है, उसके बाद कुछ कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट जो है वो उसे अस्पताल पहुंचाते हैं जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो फिलहाल लड़की के बयान काफी महत्वपूर्ण है, लड़की से लगातार पुलिस जो है वो संपर्क में है। इसके अलावा जो निखिल के पिता हैं उनके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनकी उनसे भी पूछताछ कर रही है आरोपी, हालांकि बार बार बयान बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस के लिए भी चुनौती ये है अंकिता कि आखिर चाकू किस किस आरोपी ने मारा, ये पुलिस अभी सुनिश्चित करना चाहती है। बिल्कुल, चुनौती ये है कि जो बाकी दो आरोपी बताया जा रहा है उन्हें पकड़ा जाए और लड़की का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आनंद, कि लड़की क्या कुछ बताती है और उस बयान के आधार पर अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और अहम अपडेट अपने दर्शकों को हम बता दें, दरअसल दो लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन दावा इस बात का भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि दो आरोपी और भी हो सकते हैं जिनकी तस्वीर भी सामने आई है और उन्हीं दो आरोपियों की तलाश अब पुलिस की ओर से तेज कर दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया जाए, शिकंजे में कस दिया जाए। लेकिन आपको बताएं कि जो लोग यहां पर इसी आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारा यहाँ पे काम चल रहा था रोड के इस पार, तो उस पार उधर पीछे कुछ मतलब लोग इकट्ठा हो रहे थे, किसी ने किसी के मतलब यहाँ खून बह रहा था, तो लड़का वहाँ से भाग के यहाँ कुछ 50 मीटर दूर पे आगे गिर गया। उसके बाद फिर उसको दो तीन लड़के यार दोस्त होंगे एक्टिवा पे उठा के वो हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद का नहीं पता। अच्छा, कितने बजे घटना थी ये? 12 बजे के आसपास। तो फिर पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस भी कुछ देर के बाद आ गई। कुछ देर के बाद, मतलब उसको वहाँ उसको मारा हुआ था चाकू? हाँ, यहाँ कुछ दूर पे है, पर वो यहाँ पे स्कूल के पास में गिरा है, आगे भागते हुए। हाँ, भागते हुए आया, खूब ज्यादा खून बह रहा था। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था कुछ? अब ये नहीं बता सकते क्योंकि हम तो रोड के दूसरी पार थे ना, वो उस पार थे। और आनंद का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। आनंद, निखिल चौहान का परिवार पश्चिम बिहार दिल्ली में रहता है, क्या निखिल के पिताजी से कोई बातचीत हो पाई है अभी तक आपकी? देखिए बिल्कुल, निखिल के पिता जो हैं अंकिता वो इसी साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में आए थे सुबह और यहां पर उन्होंने मीडिया से बात भी की। उनका कहना था कि अब इसमें पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, हालांकि उन्होंने गर्लफ्रेंड वाला जो एंगल है उस पर कोई कमेंट्स नहीं की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें
अनिल और राज नाम के दो और आरोपी हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों भी आर्यभट्ट कॉलेज के ही छात्र हैं या ये आउटसाइडर हैं, कोई प्राइवेट पर्सन है और राहुल के कहने पर ही वहां पर आए थे। तो राहुल इसमें मुख्य अब तक किरदार नजर आ रहा है, क्योंकि हारून भी राहुल का ही दोस्त है और राहुल चूंकि वहां पर बीए का छात्र था, कॉरेस्पोंडेंट का, तो हारून से उसकी कैसे दोस्ती हुई, उसे किस तरह से बुलाया गया, क्या पहले से प्लानिंग थी कि संडे को जब ये कॉलेज ओपन होगा और उस दौरान निखिल वहां पर पहुंचेगा तो उसके ऊपर हमला करना है, उसकी जान लेना है, और क्या केवल एक गर्लफ्रेंड का ये पूरा मामला है या कोई कॉलेज में कुछ और कहा सुनी हुई थी, इन तमाम बिंदुओं पर दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में जिस महिला मित्र के साथ छेड़छाड़ हुई है उसका बयान बेहद अहम हो जाएगा। आपके पास लौटेंगे आनंद, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि एक पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उसका बच्चा अपने सपनों को लेकर इसी साउथ कैंपस में, इसी आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं गया। उस पिता से जब न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की तो पिता की ओर से साफ तौर पर यही कहना है कि उसे तो पता ही नहीं है कि हत्यारे कौन है, क्या उसके बेटे का किसी से कोई झगड़ा था या नहीं था, इस बारे में भी पिता को कुछ भी मालूम नहीं है। क्या कुछ इस पीड़ित पिता का कहना है, आप सुनिए जरा। लड़के ज्यादा बता रहे हैं, 8-10 तो ये मोटरसाइकिल पे थे, और भी आए थे जो मेट्रो से पहुंचे थे, बहुत लड़के आए थे, 25 लोग, 8-7 तो कैप्चर हो गए। हाँ, और कितने चाकू लगे? एक ही चाकू मारा, दिल पे मारा है, जिससे खून बंद नहीं हुआ उसका, खून दून में हॉस्पिटल आते आते वो मुझे जगा के नहीं गया, रोज उठा के जाता है, मम्मी दरवाजा बंद कर लो, हाथ तो उठाया ही नहीं उसने मुझे। मुझे ये भी नहीं पता कितने ना आज बात करी उसने मुझसे, ऐसे ही चला गया। फिर सीधे कॉलेज से आया फोन उसका कि इसको चाकू मार दिया है। मुझे तो कॉलेज भी नहीं पता था उसका, पूछते पास थे ऑटो वाले को लेके गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उसको चरक हॉस्पिटल में। तो पिता गमगीन है, माँ गमगीन है, क्योंकि उनके जो घर का चिराग था वो अब बुझ चुका है। उनका बेटा अब वापस नहीं लौटेगा ये वो जानते हैं, लेकिन मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन इसी बीच हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद, राहुल एक मुख्य आरोपी दिखाई दे रहा है, लेकिन हारून का क्या रोल दिखाई दे रहा है? हारून राहुल के टच में कैसे आया? क्या वो इसी कॉलेज में पढ़ता था? और अगर नहीं पढ़ता था तो वो यहाँ क्या करने आया था? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। देखिए, राहुल एक प्राइवेट काम करता है छोटा मोटा, पुलिस का कहना है, उसका परिवार भी यहाँ पर मौजूद था। उसका परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वो कॉलेज के पास कैसे पहुंचा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राहुल का दोस्त है हारून, तो राहुल से ही पूछताछ की जा रही कि उसने हारून को क्या वहां पर इस साजिश में शामिल होने के बुलाया था या वहां पर निखिल को डराने के लिए बुलाया था। पुलिस अब तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस मामले में निखिल की दोस्त ने आरोपियों की पहचान कर ली है। देखिए, बताया जा रहा है कि निखिल की इसी दोस्त को लेकर झगड़ा हुआ था और अब उसने पहचान कर ली है आरोपियों की। आरोप है कि राहुल ने निखिल की दोस्त को थप्पड़ मारा था और इसी को लेकर राहुल और निखिल में झगड़ा शुरू हुआ था, और अब निखिल की इस दोस्त ने जिसे लेकर झगड़ा हुआ था उसने आरोपियों की पहचान कर ली है। इस मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निखिल मर्डर केस पर ये बड़ी खबर, निखिल की दोस्त ने आरोपियों की पहचान कर ली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था, जो जानकारी अब है कि अब उसी लड़की ने आरोपियों की पहचान की है, कौन से वो दो आरोपी है जो अभी फरार बताए जा रहे हैं? आनंद, देखिए, इस पूरे मामले में जो लड़की है जिसका नाम सामने आया था, जो निखिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, उसने आरोपियों की पहचान की है। उसे वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया था जिसमें उसने बोला कि हाँ, इसमें जो शख्स राज है उसे वो लड़की जानती है, क्योंकि जब इनका झगड़ा हुआ था 11 तारीख को, तो उस दौरान जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि राज भी वहां पर मौजूद था। हालांकि पुलिस अब तक ये साफ नहीं कर पाई है कि चाकू निखिल को किसने मारे हैं, क्या हारून ने मारे हैं, राहुल ने मारे हैं, राज या अनिल ने मारे हैं, या चारों ने मिलकर उसको चाकू मारे हैं। पुलिस ये तमाम चीजें वेरीफाई कर रही है, लड़की के बयान पुलिस ने ले लिए हैं, और लड़की की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसके अलावा जो पिता है निखिल के, उनके भी बयान इसमें दर्ज किए गए हैं, और अभी जो निखिल हत्याकांड में जो अनिल और राज हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं बाइक पर भागते हुए, उन दोनों की पुलिस जो है वो सरगर्मी से तलाश कर रही है। राजस्थान के पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा।
अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। व्हाइट हाउस में सुबह 10 बजे होगा स्वागत समारोह। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले देखिए न्यूज 18 इंडिया पर। अमेरिका में पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। वॉशिंगटन डीसी से मैं बताऊंगा पीएम मोदी की एक एक मुलाकात।